आ देखो किवें कंटेनरां दे विच मिट्टी भरी हुई है, अठ लेयरां दे विच कंध बनाई हुई है, बैरीगेटिंग की हुई है। कंडियाली तारा ने हाईवे 44 दीआं इह तस्वीरां दिखा रहे हां तुहानूं, जिथे हरियाणा पंजाब बॉर्डर दे उत्ते भारी पुलिस बल तैनात है। NDRF दीआं टीमां, RAF दीआं अते CRPF दीआं जिहड़े जवान ने टीमां ने उह मौके ते तैनात ने। 7 to 8 लेयरां दी बैरीगेटिंग की गई है, किसानां नूं दिल्ली दे विच दाखल होण तो रोकण दी फुल तैयारी दे विच आ पुलिस। तस्वीरां दिखा रहे हां तुहानूं, देखो किवें वड्डे वड्डे कंटेनरां दे अंदर मिट्टी भरी हुई है, ताकि किसान इन्हां कंटेनरां नूं हटा ना सकण ते दिल्ली वल कूच ना कर सकण। तां किसान अंदोलन दौरान सरकार ने किसान जथेबंदी दीआं कुछ मंगां नूं पेंडिंग रख्या होया सी, उन्हां दीआं मंगां दी पूर्ति दे लई हुण किसान दिल्ली वल कूच कर रहे ने। अज 13 फरवरी नूं दिल्ली दे वल किसान जथेबंदियां कूच कर रहीयां ने। कई जथेबंदियां बॉर्डर ते पहुंच गईयां ने ते कई जथेबंदियां हाले पिछे ने। पर उस तों पहलां तुहानूं तस्वीरां दिखा दिंदे आ कि किवें पुलिस दे वल्लों हरियाणा पुलिस दे नाल नाल CRPF अते RAF दीआं टीमां जिहड़े जवान ने उह दिल्ली बॉर्डर ते तैनात किए गए हन किसानां नूं रोकण दे लई जंगी पद्धर ते तैयारियां कीतियां जा रहीयां ने। तां दस दईए कि अथरू गैस दे गोले, होर भी कई तरीके दे उपकरण जिहड़े कि किसानां दे ट्रैक्टरां नूं पेंचर करन दे विच काम आउणगे, इह सब कुछ दा इंतजाम कीता गया है। तां लगातार न्यूज़ 18 दा तुहानूं कवरेज दिखा रहे हां, जिथे दिल्ली अते हरियाणे दे बॉर्डरां ते पुलिस अते प्रशासन दे वल्लों बैरीगेटिंग की गई है। 7 to 8 लेयरां दी बैरीगेटिंग है। देख सकते हो कि किवें कंटेनरां दे विच मिट्टी भर के कंटेनर रखे गए ने, बैरीगेटिंग अड लाई गई है, पक्कियां दीवारां सीमेंट वालियां वो अड खड़ियां कीतियां गईयां ने, ब्लॉक अड रखे ने ते कंडियाली तारां अड लगाईयां गईयां ने। ते इस तों बाद उतों पिछे जिहड़े वाटर कैनन खड़े ने, सैकड़े की गिनती दे विच पुलिस दे जवान तैनात ने। तां देखणा इह होवेगा हुण किसान इह बैरीगेटिंग नूं तोड़ के या फिर किस तरीके दे नाल अगे वधदे ने, कोई नवां राह कढ़दे ने, या फिर इत्थे माहौल तनावपूर्ण होवेगा, इह तां आउण वाला समां दसेगा। उन्हां चिर जुड़े रहो न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल। तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हां, इह हरियाणे बॉर्डर दीआं तस्वीरां ने, शंभू बॉर्डर दीआं तस्वीरां ने, जिथे बैरीगेटिंग की गई है 7 to 8 लेयरां दी, ताकि किसान अगे ना वध सकण। लगातार तुहानूं न्यूज़ 18 दा दिखा रहे हां कि की माहौल बनिया होया है पूरे पंजाब भर दे विच्चों, हरियाणे भर दे विच्चों वख-वख किसान जथेबंदियां अगे वध रहीआं ने, दिल्ली वल कूच कर रहीआं ने। बीते दिन किसानां दी केंद्रीय मंत्रियां दे नाल देर रात तक मीटिंग चलती रही, पर मीटिंग दा कोई सिट्टा ना निकलिया, जिस करके अज फिर किसान दिल्ली दे वल कूच कर रहे ने। बड़ा दिक्कत हो रहा है, अब हम तो ड्यूटी करने वाले हैं, ऑफिस जाने का टाइम है, आप देख ही रहे हैं कैसे आने जाने में दिक्कत हो रहा है। पैदल ही जा रहे हो आगे? हाँ, आगे वहाँ से बस मिलेगा ना, ये तो बिल्कुल सील कर दिया, आगे जाने नहीं दे रहे हैं, देखते हैं अल्टरनेट रास्ता कोई होगा तो। परेशानी है? हाँ बिल्कुल है परेशानी, अब आप देख ही रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हमारी मांग पूरी नहीं हो, इसलिए आ रहे हैं। देखिए जो भी इनका इंटरनल मामला है मुझे तो पता नहीं, हम तो बाहर से बिलोंग करते हैं, अब यहाँ पे ड्यूटी के सिलसिले में, मतलब नौकरी के सिलसिले में आए हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। रास्ता बंद हो जाएगा तो सर परेशानी परेशान है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, हर तरह की समस्या देखनी पड़ेगी अब पहले की तरह। किसान ये कह रहे हैं कि 13 महीने रुके, लिखित में सरकार ने आश्वासन दिया लेकिन मांग पूरी नहीं हुई, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। किसानों को अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए, आम जनता को परेशान नहीं करना चाहिए। इस पूरे एरिए का विकास 1-1.5 साल पहले रोक दिया गया था, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे विकास हो पाया है, और ये सारे रोड दोबारा से तोड़ दिए जाएंगे अब, और यहाँ पे आके बैठने के बाद पूरी परेशान है यहाँ की जनता। तो सभी से निवेदन है किसानों से कि सरकार से डायरेक्ट बात करें, यहाँ हमारे एरिया को आके बर्बाद ना करे, यहाँ की जनता बहुत परेशान। परेशान भाई साहब 15 मिनट में चले जाते हैं हम यहाँ से बाईपास, अब 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम जानबूझ के परेशान नहीं करना चाह रहे, वो उनका भी कहना ठीक है, वो जानबूझ के परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन बैठ के तसल्ली से ये बातें हो सकती है सरकार के साथ, नहीं तो अगर वो वहाँ यहाँ आगे पहले के साल पहले कोरोना के टाइम पे नुकसान हुआ, फिर उसके बाद किसान आगे 1-1.5 साल समय खराब होता है, पैसों का भी नुकसान होता है, वर्कर भी बहुत नुकसान होता है सर यहाँ, ठीक है, आर्थिक प्रगति भी नहीं हो पाती, यहाँ आगे बिहारी भागने लग जाते हैं, ठीक है जी, कंपनियां भी बहुत बंद हो जाती है, रोजगार कम होता है, कुल मिला के बहुत समस्या है सर यहाँ। सरकार को समाधान पहले निकाल देना चाहिए, सरकार को पहले समाधान निकाल देना चाहिए इस चीज़ का जी।